पाते, इस वजह से हमें जरूरत पड़ता है कि हम इसको जो है सिंपलर सब्सटेंट पे क्या कर पाए, तोड़ पाए। द ब्रेक एंड डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू द सिंपल स्टार्च और ग्लूकोज सच एज लाइक दिस। आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट में जो है ये पूरे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वह एक चैन की तरह रहते हैं, चैन के फॉर्म पर रहते हैं। लेकिन हमें किस फॉर्म पे चाहिए, इस फॉर्म पे चाहिए ताकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं सब अलग अलग टूटे हुए रहें। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट से सिंपलर सब्सटेंट में जो टूटने की प्रोसेस है इसी को बोला जाता है डाइजेशन। और जो अपन लोग डाइजेस्ट होता है, खाना पच जाता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वह बाहर निकाल दी जाती है, आप लोगों को भी पता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वह हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए और हमारे सेल रिपेयर के लिए यूज हो जाते हैं। फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो देखिए हार्ड सब्सटेंट से सिंपल सब्सटेंट में टूटने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है, डाइजेशन बोलते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब यहाँ देखिए कि जो फूड को लेने की, खाने की और उसको पचाने की जो मेथड है या वे है वह सब क्या है, बहुत ही अलग अलग है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है सब में खाना खाने की और खाना को रिलीज मतलब वेस्ट को रिलीज करने की जो मेथड है वह सब में अलग अलग है। बी एंड द हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। यदि मैं बात करूं बी की और हमिंग बर्ड की, आपको पता है बी मीन्स मधुमक्खी होता है और हमिंग बर्ड एक तरीके का बर्ड होता है। ये क्या करते हैं बेटा, नेक्टर को सक करते हैं, सोखते हैं या चूसते हैं, किससे, प्लांट से। आपको पता होगा कि जो शहद होती है, शहद बनता कैसे है, जो मधुमक्खी है वह अलग अलग प्लांट के फ्लावर में जाते हैं और वहां से जूस को सोखते हैं, चूसते हैं और उसके बाद आकर के अपने छत्ते पर इकट्ठा कर देते हैं। तो नी बी और हमिंग बर्ड ये दोनों जो है क्या करते हैं बेटा, सोखते हैं, चूसते हैं नेक्टर को। नेक्टर क्या बोला जाता है, वही जूस को बोलते हैं जो स्वीट जूस रहती है, या शहद को बोला जाता है जो प्लांट से ऑब्जर्व किए जाते हैं या सक किए जाते हैं बाय द बी एंड हमिंग बर्ड। इम्फेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। तो मैं इनफैक्ट यदि मैं बात करूं, यहाँ देखे होंगे कि जो ह्यूमन रहता है और उसके साथ ही और एनिमल्स भी रहते हैं जो कि मदर मिल्क को पी करके, मदर मिल्क को ड्रिंक करके और आगे बढ़ते हैं या रह पाते हैं। क्यों, आपको भी पता होगा जब आप छोटे थे तब आप पूरी तरीके से डिपेंड थे किस पर, मदर मिल्क पर डिपेंड थे। जो छोटे बच्चे होते हैं गाय के, बफेले उसके, काऊ के, देन अदर एनिमल्स के, डॉग के, कैट के, तो ये पूरी तरीके से मदर मिल्क पर डिपेंड रहते हैं बचपन पे। उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं फिर उनकी जो मैकेनिज्म है वो खुद से खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेज उनको मदर मिल्क की जरूरत पड़ती है। तीसरा मैं बात करता हूँ, देखिए देख दो, अभी तक हमने दो मेथड समझ लिए कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। जैसे मैंने पहली बात की कि मधुमक्खी वह नेक्टर को चूसती है, दूसरा हम बात किए एनिमल्स की जो मदर मिल्क पर डिपेंड रहते हैं, और तीसरा हम बात करने वाले हैं स्नेक की। स्नेक लाइक पाथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। यहाँ बोला गया है जैसे स्नेक में अपन लोग बात करें पाइथन की, पाइथन मीन्स होता है अजगर, बहुत बड़ा सांप अजगर। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये दूसरे एनिमल्स को शिकार बनाते हैं, जो छोटे एनिमल्स रहते हैं अजगर जो है डायरेक्ट दूसरे एनिमल को पकड़ के और निगल जाता है। आप कभी देखे होंगे इसके मैकेनिज्म तो आपको जरूर समझ में आया होगा, निगल जाते हैं। तो इनका एक तरीके का मेथड हो गया ये टेकिंग फूड का। और सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर एंड फीड अपॉन देम। और यहाँ क्या बोला गया है, कुछ जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, तो यहाँ हमें समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स दोज एनिमल विच कैन सर्वाइव ऑन द वाटर सरफेस। मतलब वो सारे एनिमल्स जो कि वाटर सरफेस के अंदर या वाटर सरफेस में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जीते हैं, उन सबको अपन लोग एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। जैसे सच एज फ्रॉग, सच एज फिश, सच एज क्रोकोडाइल, सच एज स्मॉल इंसेक्ट और सच एज डायटम्स। सो ये कहाँ रहते हैं बेटा, ये एक्वेटिक प्लांट यानी कि एक्वेटिक एनिमल मीन्स वाटर पे रहने वाले एनिमल्स हैं। ये फिल्टर करते हैं टीनी फूड को, पार्टिकल्स को जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं उसके ऊपर, उसके बाद उसको खा जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 2.1 के डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब आप लोगों को जो नीचे कुछ टेबल दी गई है उसमें आप लोगों को बताना है कि किस तरीके के फूड मटेरियल को खाते हैं और इनमें जो फीडिंग सिस्टम है किस तरीके से खाते हैं, इन फॉलोइंग एनिमल्स के बारे में लिखनी है।
राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ द मोड ऑफ